एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज गया है, और अभी को मैंने स्कूल भेज दिया। अभी के पापा भी चले गए, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था, मैंने बनाया था अभी के लिए आलू की कचौड़ियाँ, क्योंकि उसको कचौड़ी इतना पसंद है। आलू का पराठा आलू की कचौड़ी से बहुत पसंद है। तो मैंने उसे पूछा अभी क्या खाओगे, बोला आलू कचौड़ी है। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए इजी भी रहता है, क्योंकि आलू उबला हुआ रखा था, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो मैंने उसके लिए आलू की कचौड़ी बना दी, और अभी चले गए स्कूल, और मुझे लेने जाना है। मैं जाऊँगी बाद में, कम से कम 3 घंटे बाद मैं जाऊँगी अभी को लेने के लिए। तब तक हम घर के सारे काम निपटा लेते हैं। और ये वाली टेबल देखिए, मैंने फिर से यहाँ रख दी। कभी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, कभी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, और अभी मैंने इसको कल ही यहाँ पे रखा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम चार्जर वगैरह लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, मोबाइल कहाँ रखे तो गिर जाता था, है ना। तो फिर मैंने इसको ही फिर से यहाँ कर दिया। चलो चलते हैं किचन में। तो हमारे किचन की हालत है बहुत बुरी, तो फटाफट से हम साफ करते हैं। ये हमारा डेली रूटीन होता है, मेरा क्या हर हाउसवाइफ का होता है ना। और आप लोग बोलते हैं कि कुछ अलग दिखाएं, तो भाई हम क्या दिखाएं कुछ अलग, हमको तो समझ ही नहीं आता है कि क्या हम अलग से दिखाएं आपको। हमारा जो डेली रूटीन होता है, हम तो व्लॉग्स में वही शेयर करते हैं आपसे, है ना। तो आप लोग कुछ आइडिया दीजिए हमें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस तरह के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। मुझे हो सकता है आइडिया नहीं आ रहा हो, आप लोग बताइए हमें। और सबसे पहले तो हम यहाँ का बर्तन हटा देते हैं, क्योंकि बर्तन है ज़्यादा धुलने के लिए। तो फटाफट से हम सारे बर्तन हटा देते हैं। कुछ सामान फ्रिज में ऐसा रखा था जो मैंने नहीं देखा था, और वो ख़राब भी होने लगा था, तो मैंने कहा सब सामान फ्रिज से निकाल के और सब बाहर डाल देंगे। कुत्ता या फिर गाय आती हैं तो खा लेती हैं, फेंकने से अच्छा है या किसी जानवर को डाल दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। ख़राब नहीं था सामान, सब मतलब ऐसा था 2-3 दिन का रखा हुआ फ्रिज में। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर लेंगे, गैस को साफ करेंगे, और वीडियो को पूरा देखिएगा और एंजॉय करिए वीडियो। I'm not afraid to die.
फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ के कर्टन जो हमारे पड़े हुए हैं वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने रात में डाल दिए थे और अभी मैंने इतने दिन बाद देखा तो मुझे कल मैंने रात में लेटी थी मैंने देखा, अरे मैंने कही तो एक कर्टन मुझे उल्टा लग रहा है, मतलब साइड से दोनों जो अंदर की साइड होते हैं ना वो बाहर की साइड दिख रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलो इसको चेंज कर देते हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ और ये वाला निकल गया। अकेले नहीं हो पाता ये काम ना, एक लोग हो तो ठीक रहता, मुझे डर लगता है कि मैं कुर्सी के ऊपर चढ़ूंगी तो मैं गिर ही ना जाऊं, तो मुझे डर लगता है। और इस कर्टन को भी हम ठीक करके डाल देते हैं। और यही हुआ, देखो बोला था ना यही हुआ, मुझे डर लगता है कुर्सी से मैं कई बार गिर चुकी हूँ और फिर से अभी मैं ऑन कैमरा गिरती, आप लोग भी देख लेते मुझे। इसको भी हम ठीक से कर देते हैं और फिर अभी हमारे घर अभी हम डस्टिंग करेंगे और उसके बाद झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। और आज सोच रही हूँ थोड़ा सा खुद की भी केयर कर लूँ, जैसे फेस पैक लगाना, क्योंकि फेस भी मेरा बहुत अजीब सा होने लगा है, तो मैंने सोच रही हूँ कि मैं फेस पैक लगा लूँ कोई सा भी घर में बनाकर, तो मैं फेस पैक लगाऊंगी और फेस पैक लगाने के बाद अपने पैरों को भी अच्छे से धुलेंगे। अपना फेस पैक लगा के फेस पे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पैक को बनाने के लिए हमने लिया है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, थोड़ा जितना हमारे फेस पर लग जाए उतना हम मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले लेंगे। और अब हम लेंगे दही। दही हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो गाइस इसमें हम डालेंगे थोड़ा दही। और अब हमने लिया है थोड़ा शहद, शहद भी हम थोड़ा ही लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पैक को बना लिया है। ये हमारा फेस पैक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस। और चलिए अब इसको अपने फेस पर लगा के दिखाते हैं आपको।
और ये फेस पैक मैंने अपने फेस पे लगा लिया है और मैं फ़ैन के नीचे लेट गई हूँ। फैन को ऑन कर लिया है जिससे ये जल्दी सूख जाएगा, और सूखने के बाद अपने फेस को हम वॉश करेंगे, साथ में अपने पैरों को भी धुलेंगे, क्योंकि घर के काम करते करते हमारे पैर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना। तो फिर मैं एक बार अच्छे से साबुन से अपने पैरों को वैसे ही सूख गया है और इसको हम वॉश कर लेते हैं। और पूरा फेस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, अपने फेस को अच्छे से साफ करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा फेस कितना अच्छा हो गया है ना। दही हमारे फेस के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस, और मुल्तानी मिट्टी के फायदे तो आपको पता ही होंगे, और अगर नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है तो आप उसको देखें। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप उसमें, या फिर दही आपको सूट नहीं करता है तो आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड करके लगा सकते हैं। और पसीना देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है ना, बहुत पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, और सारे काम हो गए हैं मेरे। और अब बस थोड़ी देर में अभी का टाइम हो जाएगा अभी को लाने का, तो हम जाएंगे अभी को लेने के लिए। और ये फेस पैक आपको कैसा लगा गाइस, इस तरह से आप भी घर में इस तरह से फेस पैक बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर में मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप उसकी जगह, मैंने पाउडर यूज किया है ना मुल्तानी मिट्टी का, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाली जो साबुत मुल्तानी मिट्टी आती है ना उसको भी यूज कर सकते हैं, और पाउडर तो आजकल मार्केट में मिलता ही है तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, जल्दी मिलते हैं आपसे, बाय बाय।